बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं रिशाद और मैं हूँ आपका होस्ट साजिद महमूद। नाज़रीन, आर्ट एक ऐसा फन है जिसमें एक आर्टिस्ट अपने जज्बात का इजहार करता है। कैसे करता है? अपनी फिक्री तकनीक को रंगों की जबान दूसरा कैसे बुझाता है? आज महफिल में इन सवालों को जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रिशादपुर के नामवर आर्टिस्ट जनाब फरक मसूद मौजूद है। इनसे इनकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। साहब कैसे मशहूर है? जी बहुत अच्छा लग रहा है साजिद भाई, आपने ये मौका दिया मुझे यहाँ आने का और ये चैनल नया है। हमारी दुआ है कि आपका लाभ हो इंशाल्लाह। फरक साहब, रंगों से खेलना आपको कैसे लगता है? देखिए, आपने साजिद भाई पहले बताया कि एक आर्टिस्ट अपने जज्बात का इजहार करता है इन चीजों के जरिए, तो जाहिर खुशी होती है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि जज्बात के इजहार का मौका मिले। इस मुश्किल दौर में आर्टिस्ट की इतनी कदर नहीं की जाती, तो इससे गुजारा कैसे होता है? देखें जी, रिजिक का जहाँ तक सवाल है तो अल्लाह ताला के हाथ में है। हम कोशिश करते हैं किसी भी प्रोफेशन को लेके कि भाई हम करते हैं उसको, लेकिन ये है कि वही हमें मिलता है जो हमारे नसीब में होता है। जनाब फरक साहब, लोगों का रवैया आपके साथ कैसा होता है? लोगों का मुख्तलिफ रवैया होता है, मुख्तलिफ किस्म के लोग हमें मिलते हैं। कुछ लोग हमें हमारे फन को अच्छा देते हैं, कुछ पसंद भी नहीं करते, और कुछ यानी कि मुख्तलिफ किस्म के लोगों का पसंद करते हैं हमारे फन को। ये तराशी है, ये खुदपरस्ती है, और इस किस्म की बातें जो है। अपनी जिंदगी के बारे में बताएं कि फन की तालीम कहाँ से हासिल की, इस प्रोफेशन की तरफ शौक से आए या किसी मजबूरी की वजह से आए? जी हाँ, ये मैं कहूँगा कि मैं बहुत ज्यादा शौक से अपने मजबूर हूँ आज तक कि मैं कर रहा हूँ इस फन को। तालीम का जहाँ तक ताल्लुक है, तालीम जो है वो मुकम्मल नहीं है, तालीम कम है, मौका ही नहीं मिला। मेरी कोशिश है कि मैं आपकी पढ़ूँ आगे। आपने काम पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह आपकी काम की बड़ी पजीराई हुई है, मुल्क से बाहर भी आपने काम किया होगा, तो क्या महसूस करते हैं? अपने काम से मुतमिन है या नजीब दिल्ली लाना चाहते? जहाँ भी मुझे मौका मिलता है कि मैं आज जो कुछ कर रहा हूँ, कल मुझे मौका मिलता है ज्यादा करने का, मैं मेरी बहुत ज्यादा कोशिश की मैं करूँ। उसके लिए मुझे कुछ भी यानी कि कुर्बानी देनी पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हो जाता हूँ। जी हाँ, एक आर्टिस्ट किस तरह किसी खास मंजर या खाका को देखकर रंगों की जुबान से इसका इजहार करता है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। ये एक फनकार को ही पता होता है कि वो किस चीज से मुतासिर हो जाता है, और ये है कि वो उस चीज को किस तरीके से वो करता है। इंशाल्लाह किसी वक्त पुराने आपको जहमत देंगे। बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत अच्छे पोइट भी है, एक अच्छे लिखारी भी है, लेकिन हमारे साथ वक्त था इसलिए हम उन चीजों को डिस्कस नहीं कर सके। किसी और प्रोग्राम में इंशाल्लाह उन चीजों को हाईलाइट करें। बहुत शुक्रिया। जनाब साहब, आर्टिस्ट के अलावा फन के हवाले से पोइटर, अदीब और शायर भी है, आए इनके जमाने एक जबरदस्त किस्म की कहानी। एक से लेकर दस तक इंसों की कहानी है। एक रेख मेरे खेत के साथ काया, रेख में पांव रखा और बेग पर जा गिरा। दो ना देते क्यों नहीं, मुझे दो, किसी और को ना दो। तीन को मतीन ने आसीन में छुपाया और छीन की तरफ भाग गया। सीन और परवीन भी साथ थे।
आचार ने आचार डॉक्टर खुद को लाचार किया और दूसरों को सच्चाई का प्रचार किया। पांच ने कांच के टुकड़े हर के आंच पर गर्म किए और लांच से उतरकर ब्रांच में दाखिल हो गए। छह ने अगरचे छत से छलांग लगाकर खुदकुशी करना चाहिए मगर नाकाम रहा। सात की बारात बरसात में रात हर जात के साथ आई और किसी बात पर रात खाकर वापिस फिर गई। आपके रिसाना ठाट बाट उसके साथ आदमी लहजे की काट और उसके हाथ में हाथ पाट देखकर लोगों ने पलाट उसके हवाले कर दिए। लोगों ने इसके शामिल और दस बस में हर कस बेकस को रस बेच रहा था। कोई कस से मसन हुआ और उसका नस्ल दर्ज किया।